जब शिर्क की डेफिनेशन की बात आती है तो स्कॉलर्स शिर्क की डेफिनेशन में कहते हैं कि ये चीज़ जहन में रखें, डेफिनेशन किसी भी ऐसी चीज़ की जिसका ताल्लुक दीन से बनता है, सबसे अच्छी वो हो सकती है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो या कुरान और सुन्नत से जो मिलती हो। सबसे अच्छी शिर्क की डेफिनेशन आपको और मुझे कहाँ से मिलेगी? कुरान से या सुन्नत से। तो शिर्क को समझने के लिए भी आपको और मुझे कुरान और सुन्नत का रुख करना होगा, इन्हीं सोर्सेज की तरफ मुझे और आपको मुड़ना होगा। सूरतुल बकरा कुरान में आती है जिसकी आयत नंबर 22 में आया, 22 में, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्द फिराशा, वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया, वस्समा बिनाआ और आसमान को छत बनाया, व अनज़ला मिनस्समा माआ और आसमान से पानी नाजिल किया, फ़अख़रज बिही मिन थमरात रिज़्क लकुम और तुम्हारे लिए फल निकाले बतौर रिज़्क, फ़ला तजअलू लिल्लाही अंदादा, तो तुम अल्लाह के मद्द मुकाबिल मत बनाओ, मत डिक्लेयर करो अल्लाह के बराबर भी किसी को लाकर, वह अंतुम तालमून जबकि तुम जानते हो। आप और मैं मुसलमान होने की हैसियत से जानते हैं आपका और मेरा पहला स्टेटमेंट, कॉन्शियस स्टेटमेंट है ही कलमाए शहादत कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद हो ही नहीं सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। तो एक शिर्क की डेफिनेशन में स्कॉलर सूरह बकरा की आयत नंबर 22 देते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शामिल ना करो जबकि कि तुम जानते हो कि अल्लाह वाहिद है, अल वाहिद है। अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाना शिर्क हो गया। इसी तरह से सही बुखारी की हदीस नंबर 4477, इसमें आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह की नज़र में शिर्क क्या है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। तो आपको एक डेफिनेशन कुरान की मिल गई, एक डेफिनेशन आपको हदीस की मिल गई सही बुखारी, हदीस नंबर 4477 सही बुखारी में आती है। और यही हदीस आपको अक्सर स्कॉलर्स शिर्क की डेफिनेशन में बताते हुए मिलते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायत है, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? ये भी हदीस आपको शिर्क की डेफिनेशन में मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतज अला लिल्लाहि निद्दन वहू व खलक़का, कि तू अल्लाह के साथ किसी को मद्दे मुकाबिल बना दे जबकि उसने तुझे पैदा किया है। इसके बाद फरमाया, अंतक़तुला वलदका खशियतका अन यतअमा माअक, ये कि इंसान अपने बच्चे को इस खौफ से कत्ल कर दे कि कल को वो तुम्हारे साथ तुम्हारे खाने में शरीक हो जाएगा, ये दूसरा गुनाह। और फिर फरमाया, अंतजानिया हलीलता जारिक, ये कि तुम अपने हमसाये की बीवी के साथ जिना करो। ये भी शिर्क की डेफिनेशन के अंदर स्कॉलर्स हदीस को कोट करते हैं, और ये हदीस आपको बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, निसाई, अहमद में रिवायत की हुई मिल जाती है। ये मुमकिन है कि किसी इंसान ने ज़िंदगी शिर्क पर गुजारी हो लेकिन मौत के वक्त तौहीद पर उसको आने का मौका मिल गया, यानी उसने तौबा कर ली शिर्क से और एक अल्लाह की बंदगी का इजहार कर दिया, अब ये चीज़ इंसान की निजात का बायस बन सकती है। आप देखें, ज़्यादातर सहाबा जो थे, मेजॉरिटी सहाबा, इस्लाम से पहले किस माशरे का हिस्सा थे? मुशरिक माशरे का हिस्सा थे ना, आखिर उसी माशरे में चलते फिरते थे, उठते बैठते थे, मामलात करते थे, रस्मों में इन्वॉल्व होते थे, वो माशरा जिसकी बुनियाद शिर्क थी। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद क्या हुआ? वो सब बेहतरीन इंसान बन गए। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि शिर्क जो है ये असल में इंसान को उसकी फितरत से डिविएट कर देता है। जब इल्म आता है तो इंसान वापस पलटना चाहता है। तौहीद इंसान की फितरी हालत है, नेचुरल स्टेट है। एक अल्लाह की इबादत करना फितरी अमल है। और आप ये बात शिर्क के बारे में और तौहीद के बारे में जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि माशरों के अंदर दुनिया में शिर्क जो था वो बाद में पैदा हुआ,
तौहीद शुरू से थी। शिर्क की जिद क्या है? तौहीद। शिर्क बाद में माशरे के अंदर आया, दुनिया के अंदर आया, तौहीद पहले से मौजूद थी इंसानियत में। और शुरू शुरू में इंसानियत सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करती थी और किसी चीज़ की इबादत नहीं करती थी। यही हम मुसलमानों का बिलीफ है, यही हमारे ईमान का हिस्सा है।